हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हुई एक तमिल एंथोलॉजी मूवी, यानी कि यहाँ पर आपको चार अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह कि ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिलती है, और इस मूवी की और इसकी ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 26 मिनट की है। तो अब आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए नहीं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो पहली कहानी सेट है 1981 में, जहाँ पर हमें एक लड़का नज़र आता है जिसका नाम है सत्तार। ये एक गे है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब पता चलता है कि सत्तार अपने बेस्ट फ्रेंड श्रवणन को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा। वो ट्विस्ट क्या है, फिर उसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फर्स्ट स्टोरी देखनी पड़ेगी। खैर, बात करेंगे सेकंड स्टोरी की, जिसमें हमें ये भाई साहब नज़र आते हैं जिनकी दो जुड़वा बेटियां होती है। एक बेटी जो इनसे दूर शहर में रहती है, लेकिन दूसरी बेटी इनके साथ गांव में रहती है। खैर, अब ये भाई साहब का एक मानना है कि जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होती है, तो इसलिए अपने गाँव में जितने भी लड़का लड़की जो इंटरकास्ट या ऊंच जात नीच जात के होती है उनकी शादी कराते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब इन भाई साहब की बेटी इन्हीं के ड्राइवर से प्यार करने लगती है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सेकंड स्टोरी देखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे थर्ड स्टोरी की, जिसमें हमें एक अच्छी खासी फैमिली नज़र आती है जो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे, लेकिन इनकी फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो क्या होता है, ये जानने के लिए आपको थर्ड स्टोरी देखनी पड़ेगी। खैर, अब बात करेंगे फोर्थ स्टोरी की, जो कि सबसे ज़बरदस्त है इस पूरे एंटोलॉजी में। तो ये कहानी है बाप और बेटी की। बेटी एजुकेटेड है और ये अपना घर छोड़कर भाग गई है, और अपनी बिरादरी से हट के ये किसी और बिरादरी के लड़के से शादी कर लिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट का बात है जब ये हो जाती है प्रेग्नेंट, फिर उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फोर्थ स्टोरी। खैर, अब बात करेंगे इस एंटोलॉजी की कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, यहाँ पर कहानी में नयापन कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एग्जीक्यूट किया ना यार, हैट्स ऑफ है। और मैं तो बोलता हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है, वरना मैं स्टैंडिंग ओवेशन भी दे देता जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी राइटर्स हैं और जितने भी एक्टर्स हैं सबको। खैर, उसके अलावा ऑनर, लव और सीन, कहने को तो ये सिर्फ 3 वर्ड्स है, लेकिन इन तीनों वर्ड्स की वजह से हमारे देश में या पूरी दुनिया में आप लोग कह सकते हो खून खराबा, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब अगर आप लोग सुनोगे तो शर्म से आपकी मुंडी नीचे हो जाएगी। और मैं इस चैनल के थ्रू यही बोलूंगा कि भाई, जो भी जात पात या ऊंच नीच या रिलीजन पे ऑनर किलिंग करता है या दो प्यार करने वालों को अलग करता है, तो यार प्लीज़ ये सब चीज़ें भूल जाओ, और जो लोग खुश है तो उनको खुश रहने दो। कहीं ना कहीं ये मूवी के थ्रू मेकर्स ने हमें जो मैसेज देने की कोशिश की है ना, अगर उससे 10 लोग भी सुधर जाएंगे या समझ लेंगे ना, तो उनकी लाइफ, उनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मूवीज़ देखता हूँ तो भाई मैं दिल से देखता हूँ और मैं दिल से रिव्यू भी करता हूँ। उसके बाद इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक कैरेक्टर, हर एक कहानी का इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि वो जो इमोशन है ना, वो आप लोग फील कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आप लोग उनसे इजीली कनेक्शन भी बना लोगे। और इसकी जो फोर्थ स्टोरी है ना यार, वो मैं यहाँ पर रिवील तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कौन कर सकता है भाई, इतना कौन गिर सकता है। ये तो मतलब यार एक अलग ही लेवल की कहानी थी जो मैंने पर्सनली देखा, और मैं कभी चाहूँगा ही नहीं कि इस तरीके की चीज़ें रियल में किसी के साथ हो। ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और जब मूवीज़ में हम कहानियाँ देखते तो कहीं ना कहीं वो समाज में जो चीज़ें हो रही है उससे इंस्पायर होती है। तो मुझे पता है कि बहुत सारी जगहों पे जात पात और रिलीजियस मैटर करता है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप लोग ये सोच लेके जी रहे हो तो भाई समझ लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। खैर, उसके अलावा इस मूवी में अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो यार बहुत ही शानदार लगा मुझे। हर एक सीन को बहुत ही परफेक्टली शूट किया, और सीन्स के थ्रू बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जहाँ पर डायलॉग्स भी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके अलावा स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। BGM तो यार साउथ की मूवीज़ में हमेशा BGM आपको अच्छा ही सुनने को मिलता है, और यहाँ पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, और एक अलग ही एहसास होता है। और स्पेशली मैं तो हिंदी ऑडियंस हूँ, तो मुझे तो BGM उनके हमेशा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यार हर एक एक्टर ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से किया। किसका नाम लूँ यहाँ पर समझ में नहीं आता, चाहे उनके जो इमोशनल सीन्स थे, क्या यार मतलब कमाल का परफॉर्मेंस बोलते हैं ना जिसको। कभी कभी क्या होता है कि कहानी पुरानी होती है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और एक्टर्स का परफॉर्मेंस उस पुरानी कहानी को भी नया बना देते हैं। और इस पर्टिकुलर एंथोलॉजी में भी ये होता है कि हर एक कहानी को हमने 10 बार देखा, 50 बार देखा, लेकिन जब दोबारा से हम लोग इस एंथोलॉजी को देख रहे तो हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं देख रहे हम लोग, क्योंकि ये एक्टर्स और राइटर्स और डायरेक्शन की वजह से जो इतना ज़्यादा मज़ा आया पूरी मूवी को देखते हुए। पेरेंटल गाइडेंस की बात करते हो यार, सेकेंड स्टोरी में एक किसिंग सीन है, वो यहाँ पर रिवील नहीं करूँगा, बट एक किसिंग सीन है। उसके अलावा यहाँ पर इस मूवी में कोई भी एडल्ट सीन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आपके घर में
एडल्ट लोग हैं, यानी कि बच्चे और बुजुर्ग नहीं है, तो आप लोग इस एंथोलॉजी को देख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी। मैं इसको रेटिंग दूंगा डेफिनेटली 8.5 out of 10। बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो जो मर्जी चाहे कर सकते हो, क्योंकि डिसलाइक का ट्रेंड तो चल ही रहा है मार्केट में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना, बाय।